खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर प्रदेश में सियासी उबाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुवार को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने खरगोन पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की थी। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया के साथ चर्चा में कहा कि कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि जनता को गुमराह करने की राजनीति नहीं चलेगी। प्रदेश की जो जनता है वह सब जानती है। खरगोन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को जनता ने खुद कह दिया है कि कांग्रेस आतंकी पैदा करती है। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, पहले बस्ती भी जलवाना है, फिर मातम भी मनाना है। वैसे सज्जन सिंह वर्मा भी कमाल हैं, जो दिग्विजय सिंह के अपमान का कोई अवसर नहीं छोड़ते। जो खदेड़ा है जनता ने उनको, उस वक्त भी उन्होंने दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के नारे लगवा ही दिए। खरगोन का सवाल है, कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि इस तरह से वो जनता के बीच में जनता को गुमराह करके राजनीति करना चाहती है। अब ये प्रदेश की जनता है, ये सब जानती है। और उन्होंने कह दिया कि आतंकवादी, मैं नहीं कह रहा, जनता ने कहा कि कांग्रेस पैदा करती है। सियासत, कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, पहले बस्ती भी जलवाना है, फिर मातम भी मनाना है। और कमाल है, सज्जन भाई को मान गए हम। जो खदेड़ा है जनता ने, उस वक्त भी उनने दिग्विजय सिंह को नहीं छोड़ा है, कोई अवसर नहीं छोड़ते दिग्विजय सिंह के अपमान का। सज्जन भाई वहां भी नारे उन्होंने दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद के लगवाई दिए। अब इनकी अंदर की गुटबाजी है, लेकिन जनता के बीच भी ले जाने से कांग्रेस के लोग छोड़ते ही नहीं।